हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो ऑन माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने कछुए के लिए एक टब लाया हूँ। सो ये रहा मेरा कछुआ, पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आप पहले इस सेटअप को देख के बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार सेटअप है, क्योंकि ना मैंने इसमें पानी भर रखा ज़्यादा, और इतना बड़ा कछुआ है मेरा, इतना बड़ा टब है, पर मैंने इसमें पानी और बॉक्सिंग एरिया उस हिसाब से क्यों नहीं सेट कर रखा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसलिए से सेट नहीं कर रखा क्योंकि अभी इसे एक दो दिन ही आए हुए हैं। सारी चीज़ें गुड थिंग्स टेक टाइम, तो धीरे धीरे ही सारा का सारा जो है बनेगा। अभी सेटअप मैं इसका पानी फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगा, वाटर लेवल बास्किंग एरिया अच्छा बनाऊँगा, क्रिएटिविटी करूँगा ग्रासेस की, धीरे धीरे होगा। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो फिर बनाई क्यों है अभी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि अभी आपको आप खुद ही बोलोगे कि हाँ भाई वो इन्फॉर्मेटिव है सच में चीज़ें। सो पहली चीज़ ये आती है, मैं आप टब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये मैंने टब लिया है फ्लिपकार्ट से, एंड इसमें कुछ हवा नहीं भरती टब में, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हवा नहीं भरती है टब में। ये नॉर्मल आपको टब मिलता है और इसमें आपको पानी भरना होता है, पानी के हिसाब से फिर ये खुल जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा टब है, जैसे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा है, जितना आपको कैमरे में देख रहा है उससे भी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक है। फिर अब मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो मैंने टब के बारे में बता दी, पर मैंने वीडियो बनाई क्यों है इतने बेकार सेटअप को लेके। ये इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि अगर अभी मैंने इसमें बड़ा कछुआ डाला हुआ है, ठीक है, पानी भी कम है, पत्थर भी, मतलब बास्किंग एरिया भी छोटा है, और ना कोई क्रिएटिविटी है, तो आपको ये बेकार लग रहा है। पर अगर मैं इतने ही पानी पानी को भी इतना ही रहने दूँ, बास्किंग एरिया भी ऐसे लगे रहने दूँ, बस इसमें घास फूस लगा दूँ, तो ये छोटे कछुए का सेटअप बन जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि छोटे कछुए का सेटअप कैसे बनाएं। सो फ्रेंड्स, जब मैं इसको अच्छी तरीके से अपग्रेड कर दूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें बड़े कछुए का सेटअप कैसे बनाएं, पर अभी है छोटे कछुए का सेटअप कैसे बनाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आपने टब ले लिया, उसके बाद उसमें आप कम से कम इतना बड़ा टब तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आपका कछुआ बड़ा होगा तो आप बार बार चेंज तो करेंगे नहीं अपने टब को कि आप कुछ और लाए कुछ और लाए। इससे अच्छा एक बार मैं ऐसा काम करूँ कि बढ़िया काम करूँ, टब ले लिया, ठीक है, उसमें पहले उसे वॉश कर ले कि उसमें कोई केमिकल ना हो। वॉश करने के बाद उसमें पानी भरने से पहले ऐसे दरी सी बिछा दी, इससे क्या होता है पर टब अच्छा खासा रहता है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होती है, ठीक है। नहीं तो क्या पता कहीं से फूट जाए, तो नीचे फर्श तो हार्ड होता था, सॉफ्ट सॉफ्ट रहे चारों तरफ, इसलिए, ठीक है, मैंने पीछे तक लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं छोटे कछुए का सेटअप बता रहा हूँ, याद रखना, ये तो बड़े में भी छोटे में आपने लगाना ही लगाना है नीचे दरी, तो चाहे बड़ा सेटअप हो चाहे छोटा, दरी तो लगानी ही है, ठीक है, ये तो मस्ट है। फिर छोटे कछुए के सेटअप में आपने क्या करना है, ऐसे ही पत्थर को की ईंट ले लेनी है, पहले उन्हें धो लेना है अच्छे से, ब्रश से रगड़ लेना है, उसके बाद पानी में थोड़ा घोल लेना, अच्छे से साफ़ कर देना है, उसके बाद जो है जब सारी गंदगी हट जाए तो ऐसे आपने लगा देनी है। अगर आपके पास 6-7 कछुए भी है ना, तब भी ये जो सेटअप है ना, आप इसमें आराम से रख सकते हैं कछुओं को अपने, क्योंकि काफ़ी बड़ा है छोटे कछुओं के लिए, ठीक है। तो आपने ऐसे ही 6-7 कछुओं के लिए तीन ईंट काफ़ी होगी एक बास्किंग एरिया की तरह, ठीक है, बाकी बहुत बड़ा पानी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसा जब सेटअप आपका बन जाए, उसके बाद आपने घास फूस की थोड़ी डेकोरेशन करने दिए नकली प्लांट से। अभी देख सकते हैं मेरे पास बहुत छोटा नकली प्लांट है, तो आपने बहुत सारे प्लांट दे रहे नकली प्लांट, और हर जगह गुफा गुफा सी बना देनी है, और मतलब बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन करनी है, ठीक है। बास्किंग एरिया तो यही रहने देना आपने, ईंट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक रहेगा। तो उसमें आपके जो छोटे कछुए अच्छे खासे ग्रो करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगा बड़े कछुए का सेटअप कैसे बनाए, मैं आपको बना के भी दिखाऊँगा, पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इसी टब में अगर आपको बड़े का बनाना है तो कम से कम आपने आधा पानी कर लेना, यहाँ तक तो कर लेना आधा पानी, फुल नहीं भरना है, कम से कम आधा पानी इधर तक, ताकि आपके टब की भी जो लाइफ है वो अच्छी खासी रहे। आधा पानी भरने के बाद आपने इसके अंदर फिर वुड हो गई, क्योंकि अगर आप ईंट बहुत सारी ऊपर ऊपर करके लगा देंगे तो गिरने के चांसेस रहते हैं। हाँ, अगर आप दो दो ईंटों को एक साथ करके लगाए एक साथ करके, फिर तो हाँ भाई गिरने के चांसेस नहीं है, तो ईंट से भी बना सकते हैं बास्किंग एरिया, ठीक है, या तो चाहे आप लकड़ियों से भी बना सकते हैं, ठीक है, बैम्बू स्टिक हो गई, इन सब लकड़ियों को जोड़ के अच्छे से जो है बना सकते हैं, ठीक है। वाटर लेवल आपने आधा रखना है, बास्किंग एरिया आपने लगा देना है एक जगह। बास्किंग एरिया ऐसा होना चाहिए कि मतलब ना, जैसे आपको दिख रही है ना तीन ईंट, इसके नीचे भी तीन ईंट होने चाहिए, इसके और नीचे भी तीन ईंट होने चाहिए, क्योंकि आधा पानी यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये तीन ईंट बस सिंगल सिंगल कोई नीचे रख दोगे, फिर तो बास्किंग एरिया नीचे घुस जाना है पानी के अंदर, तो फ़ायदा क्या है, फिर कछुए को तो फंगस हो जाएगी। इसलिए ऐसे तीन के ऊपर एक और तीन रख देना, जब तक आपका पानी से ऊपर ना आ जाए लेवल ईंटों का, ठीक है। ये हो गया आपका अच्छा खासा बास्किंग एरिया, ईजिली बन जाएगा, और आप सबके घरों के आसपास जो है ईंट अवेलेबल होती है, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है,
बड़े कछुए के हिसाब से कि हाँ भी आपने जैसे छोटे कछुए में होता है ना आपने डेकोरेशन ज़्यादा रखनी है। मैं तो अभी कुछ अपने टब में कर ही नहीं रखा क्योंकि तीन चार दिन लग जाएंगे मुझे पूरा सेटअप करने में अच्छे से, ठीक है। तो आपने कैसे डेकोरेशन करनी है, बास्किंग एरिया तो आपने ऐसे नॉर्मल रहने देना है, पानी के अंदर आपने क्या डेकोरेशन करनी है, बहुत सारी गुफाएं छोड़ देनी है, ठीक है। ये जो मैंने डेकोरेशन कर रखी है सस्ती डेकोरेशन है, ऐसी नहीं करनी है, अच्छी डेकोरेशन करनी है। मैं भी आपको अच्छी डेकोरेशन करके दिखाऊंगा, अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, और आपको भी टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, दुकान से नकली प्लांट्स लाने हैं बहुत सारे, एक साथ लगा देना है, या फिर आप असली भी लगा सकते हैं, जो मनी प्लांट है वो लगा सकते हैं, वो पानी में जो गंदगी इम्प्योरिटीज़ होगी वो साफ़ करेगा, ठीक है। और उसके साथ आपने क्या करना है कि जैसे आप मछलियाँ भी छोड़ सकते हैं स्टब के अंदर, आप मछलियाँ भी छोड़ सकते हैं कछुओं के साथ, बट होप कि आपके कछुए बस मछलियों को खाए ना, मतलब आपने अपने टब को बहुत क्रिएटिव कर देना है, ठीक है। मैंने आपको कॉमन चीज़ तो बता दी कि छोटे कछुए और बड़े कछुए का कैसे जो है सेटअप बनेगा, मैं उसकी डेकोरेशन भी दिखा दूंगा, पर क्या होता है ना हर कोई उतनी डेकोरेशन मतलब मेहनत कर नहीं पाता, तो मैं अपने हिसाब से मेहनत करूंगा, आप अपने हिसाब से करना, पर एटलीस्ट इतनी मेहनत करने की तो कोशिश करना कि जो है आपका सेटअप आपको ही नहीं आपके कछुओं को भी अच्छा लगे। जैसे मैंने बताया कि थोड़ी घास फूसी लगा देना, पर थोड़ी लगाने पर ऐसे लगाने कि बहुत अच्छे से कछुए उसमें इंजॉय करे, ठीक है। गुफासी स्टोन की जो गुफासी होती है वो ले लेनी है, ठीक है। ये छोटे कछुओं के लिए भी बता रहा हूँ, बड़े कछुओं के लिए, चाहे बड़े कछुए का सेटअप हो छोटे कछुए का सेटअप, घास फूस गुफा ये तो मस्त है, ठीक है। मनी प्लांट असली ये तो मस्त है, ये तो करना ही करना है अपने, मनी प्लांट नहीं तो नॉर्मल प्लांट लगा दो, पर करना है डेकोरेशन, ठीक है। ऐसा खाली नहीं छोड़ना क्योंकि आपने इतनी बड़ी चीज़ ली है, उसको अच्छे से डेकोरेट जब तक नहीं करोगे क्या फ़ायदा है, फिर अपने कछुए को ऐसे नॉर्मल सेटअप में डालोगे नहीं ना। सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आज के लिए इतनी ही थी, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से अपना टब बिल्कुल डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और आपको पता है इतने बड़े टब में ना अगर आप 6-7 कछुए रखें ना तो ही बढ़िया है। देखिए अगर आपके पास बड़े कछुए हैं तो आप इस पूरे टब में कम से कम 3 बड़े कछुए रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास छोटे कछुए हैं, ठीक है, इतने इतने कछुए, तो आप 6-7 इसमें आराम से रख सकते हैं, ठीक है। और मैंने मतलब आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है ना। डेकोरेशन तो सेम ही होनी है चाहे बड़े के में हो छोटे के में हो, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि जो बड़ा कछुआ है उसका जो बास्किंग एरिया, मतलब पानी आता होगा तो बास्किंग एरिया मेरे को आपको बता ही दिया कि मतलब ऐसे ही 3-3 फीट करके जो है ऊपर कर दें ताकि पानी के लेवल तक आ जाए, और बाकी डेकोरेशन तो सेम रहनी है और पानी बदलना है। और छोटे के में क्या होना है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे पानी भी सेम रहना है, बास्किंग एरिया भी इतना ही रखना है आपने, और बस जो है आपने क्या करना है कि डेकोरेशन वो कर देनी है तरीके से। चलिए फ्रेंड होप कि आपको अच्छा लगा होगा, बाकी अभी देख लीजिए मेरे टब का जो है सेटअप है, मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं है, अभी 1-2 दिन में आया था। अच्छा हाँ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कितने रेट में मिला, ठीक है। तो ये 648 का कुछ मुझे पड़ा आसपास। हाँ जी ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब जैसे एक्वेरियम बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, महंगा भी नहीं है और बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटेक्स का है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बाहर की डेकोरेशन तो मैं आपको ना ही दिखाऊँ तो बढ़िया, क्योंकि बाहर की डेकोरेशन मायने नहीं रखती है कछुए के लिए, कछुआ बाहर आके थोड़ी ना देखेगा, अंदर की डेकोरेशन मायने रखती है। तो अंदर आपने घास फूस जो है अच्छी खासी लगा देनी है। अभी तो मैंने बहुत सिंपल सेटअप कर रखा है, 2-3 4 दिन में मैं अपने सेटअप को अच्छा बनाऊंगा। और फ्रेंड्स एक और बात, ये जो टब है बहुत ज़्यादा पानी लेगा, मतलब इतना टब भरने में ना मेरे को कम से कम 4-5 बाल्टी लग गई। हाँ जी फ्रेंड्स 4-5 बाल्टी मेरे को लग गई। पर फ्रेंड्स देखो जो अपने एनिमल को प्यार करता है करने वाला कुछ भी करता है अपने एनिमल के लिए, ठीक है ना, और मैंने भी करा है। तो फ्रेंड्स पानी लगेगा, पर हाँ अगर आपको लगे कि हाँ भाई इतना सारा पानी आप एक बार में नहीं डाल पाएंगे, आपकी टंकी उस तरीके से नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं हर एक एक दिन में ना कम से कम आप 4-4 बाल्टी कर करके ऐसे डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे चाहे छोटे कछुए का टब हो बड़े कछुए का टब, एक फ़िल्टर ज़रूर उसमें डाली है। मैंने अपना फ़िल्टर पता नहीं कहाँ रख दिया, मेरे को मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं उस अपने फ़िल्टर को जो है इसमें डाल लेता, मेरे को मिल नहीं रहा है। एक फ़िल्टर ज़रूर डाली क्योंकि इतना बड़ा टब है, जब ये साफ़ रहेगा तो साफ़ भी बड़ी अच्छी तरीके से रहेगा, पर जब ये गंदा होगा तो बास भी उतनी मारेगा। इस वजह से फ़िल्टर ज़रूर लगा के रखिए, उसे 24 आवर्स जो है आराम से चला के ही रखिए। या मेरे कछुए को देखिए, अभी तो ये बहुत स्लो स्लो इधर उधर घूमे जा रहा है, अपने खैर अपने में इंजॉय तो कर रहा है पर उतना ज़्यादा नहीं जितना मैं इसे करवाना चाहता हूँ। मैं इसे ऐसा देखना चाहता हूँ कि अभी इधर उधर पूरा स्विम कर रहा हो, बासिंगरे पे बैठ रहा हो। अभी क्या पानी है इसके लिए, इतने बड़े कछुए के लिए कोई पानी है, कोई नहीं है। ये तो छोटे कछुए के लिए, जो इतने इतने कछुए होते हैं उनके लिए इंजॉयबल होगा सेटअप।
पर तब जब इसमें डेकोरेशन थोड़ी बहुत लगेगी इस बड़े कछुए के लिए, तब इंजॉयबल होगा जब इधर तक पानी होगा, इधर तक ही बास्किंग एरिया होगा और फिर डेकोरेशन वेकोरेशन होगी, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए कोई नहीं, मैं इस पर वर्क करूँगा, आपको वीडियो दूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये मेरी जो है 10 मिनट की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय बाय।